आज हम अंडा बिरयानी बनाएंगे। इसके लिए मैंने चावल में स्वाद अनुसार नमक डालकर एक सीटी होने तक के चावल को पका लिया है और अंडे को उबालकर उसके छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म किया है, उसमें तेजपत्ता, लौंग मीरा, हरी कटी मिर्च, पिसा मसाला, हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालकर उसे तेल छोड़ने तक के अच्छे से पकने देंगे। इस मसाले में मैंने टमाटर, लाल मिर्च और अदरक लहसुन को बारीक पीस लिया है। जब हमारा मसाला अच्छे से पक जाए और साइड से तेल छोड़ने लगे तो अब इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे। हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम आधा गिलास ही पानी लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डालेंगे। जब मसाले में उबाल आ जाए तो अंडे को आधा कट करके इसमें डाल देंगे। मैं इस तरह हाथों से तोड़कर डाल रही हूँ, आप चाहे तो चाकू से भी कट लगा सकते हैं। अब इसे 2 मिनट तक पकने देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसकी थोड़ी सी ग्रेवी को हम कढ़ाई में रहने देंगे और ये पके हुए चावल इसी में डालकर इसे अच्छे से पूरा मिला लेंगे। अब हमने जो अंडा कढ़ी बनाई थी उसे हमें इस चावल में मिलाना है। इसके लिए चावल को एक साइड से आधे सरका लेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी अंडा कढ़ी को फैलाते हुए डालेंगे, उस पर थोड़े से चावल डाल देंगे। दूसरी तरफ से भी हम ऐसा ही करेंगे, अंडा कढ़ी डालकर उस पर चावल को फैला देंगे और बची हुई अंडा कढ़ी को ऊपर से डाल देंगे। इसको चम्मच से मिलाना नहीं है, ऐसे ही ढककर 2 मिनट तक पकने देना है और गैस को 2 मिनट बाद बंद कर देंगे। यह हमारी गर्मा गर्म अंडा बिरयानी तैयार है।